नाउ। तो ये एक रिक्वेस्ट वीडियो है साहिल सर के लिए। ये एक रिक्वेस्ट है सर, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ सर कि अब ये जो हो रहा है, प्लीज़ सर इस चीज़ को आप अब यहीं पे रोकें, यहीं पे इस चीज़ को स्टॉप करें, क्योंकि हमें मतलब सर मैं यही बोलना चाहता हूँ कि प्लीज़ इस चीज़ को आप यहीं पे स्टॉप करें। जैसा कि सारे लोग जानते हैं और आपको भी पता है कि मनोज के अंदर बहुत पोटेंशियल है, बहुत एक मतलब अच्छा कर सकता है, ओलंपिया स्टेज पे जा सकता है, लोगों के लिए होप है मनोज एक। अगर सर उसके ऊपर कोई सा भी अगर ये क्रिमिनल एक्ट लग जाता है, कोई सा भी ये केस बन जाता है, कोई सा भी ये परेशानी हो जाता है, तो उसका पूरा का पूरा सर करियर बर्बाद हो जाएगा। तो मैं इसके लिए मैंने बोला कि मैं आपसे जस्ट एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, आप बड़े हो और आप ये चीज़ों को समझोगे। तो मैं काफ़ी टाइम से इस चीज़ के लिए कुछ ना कुछ बोलना चाह रहा था, मुझे नहीं समझ पाया, तो मैं बोला कि नहीं मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि आप खुद बॉडी बिल्डिंग के फ़ैन हो, आप जैसा आप बोलते हो कि आप एथलीट को सपोर्ट करते हो। तो सर अगर कोई सा भी जो होता है, जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, अगर कोई सा भी क्रिमिनल एक्ट अगर मनोज के ऊपर लगता है, तो उसका पूरा का पूरा करियर बर्बाद हो जाएगा। और एक एथलीट का एक यही सपना होता है कि वो स्टेज पे जाए और परफॉर्म करे, और अगर उससे वही चीज़ सर छिन जाएगा तो वो बहुत बहुत गलत होगा सर। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ सर कि प्लीज़ सर ये चीज़ को आप यहीं पे अभी स्टॉप करें, इससे बहुत ही ज़्यादा फिटनेस इंडस्ट्री में भी प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ही ज़्यादा निगेटिविटी फैल रही है, बहुत ही ज़्यादा मतलब हर तरीके से लोग मतलब डिस्टर्ब हो रहे हैं। और सर अगर मनोज की बात करें, तो वो जैसा आपने बोला कि वो मेंटली पूरी तरीके से जो होता है वो परेशान हो चुका है, और अगर सर इस समय में अगर उसने कोई गलत डिसीजन ले लिया, कोई सा भी जो होता है गलत स्टेप उठा लिया उसने, तो मतलब ये हर कोई जो होता है मतलब सिर्फ रिग्रेट करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता। आप भी सिर्फ रिग्रेट करोगे, आप भी सिर्फ जो होता है मतलब यही करोगे कि नहीं सही टाइम पे जो होता है ये सब चीज़ें बंद होनी चाहिए थी सर। तो अब ये राइट टाइम है और ये टाइम पे ये चीज़ें बंद होनी चाहिए, क्योंकि वो पूरी तरीके से एकदम परेशान हो चुका है, पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो चुका है। अगर उसने इस टाइम पे अगर कोई सा भी गलत डिसीजन लिया, तो लोगों का क्या है सर, लोग तो सिर्फ एक RIP लिख के एक फ़ोटो डाल देंगे, बट उसके साथ उसके पेरेंट्स हैं, 75 ईयर्स ओल्ड उनके फादर हैं, उनकी मॉम है, उनकी सिस्टर है, उनके साथ में काम करने वाले लोग हैं, वो सारे के सारे सर लोग बेसहारा हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे सर। तो सर प्लीज़ इस चीज़ को आप स्टॉप करें, और अगर आपका कोई टर्म्स कंडीशन है, अगर आप चाहते हो कि ऐसा ऐसा चीज़ करना चाहिए या कुछ भी ऐसा होना चाहिए, तो आप वो बता दो, मैं मनोज को बोलूँगा उस तरीके से, वो बोल के वो चीज़ें ये ख़त्म हो, क्योंकि सर ये बहुत ही ज़्यादा मतलब इंडस्ट्री पे भी इफ़ेक्ट पड़ रहा है और बहुत ही गलत है सर, ये आप समझ सकते हो सर। तो प्लीज़ सर ये चीज़ को सर आप कैसे भी करके आप स्टॉप करें, और मैं आप लोगों को भी यही बोलना चाहूँगा कि आप लोग मज़े ना लें, किसी का लाइफ अगर बर्बाद हो रहा है, कोई किसी तरीके से परेशान हो रहा है, तो जैसे आप मसाला ढूंढ रहे हो, आप ये कर रहे हो, तो वो सब चीज़ें बंद करो। अब ये बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे हो चुका है, तो इस चीज़ को प्लीज़ बंद करो। और सर अगर आपको लगता है कोई आपका टर्म्स कंडीशन है कि किस तरीके से जो होता है ये चीज़ बंद होना चाहिए, किस तरीके से मतलब आपका बात सुनना चाहिए, तो वो चीज़ आप बता दो, और वो चीज़ बोल के बट इसको स्टॉप करना चाहता हूँ सर किसी भी तरीके से। प्लीज़ सर थैंक यू सो मच एवरीवन, और प्लीज़ बातों को ना बढ़ाएं और किसी का डिसरिस्पेक्ट ना करें और किसी को पोक ना करें, ये कोशिश करिए कि ये चीज़ें जो होता है ख़त्म हो, कैसे भी करके जो होता है ये चीज़ें ख़त्म हो, और किसी का करियर ना बर्बाद हो, कोई गलत डिसीजन ना ले, कोई परेशान ना हो। तो
सर मैं फिर से बोलता हूँ कि आपका जो भी आपका ये है मतलब टर्म्स कंडीशन कि हाँ ये चीज़ होने के बाद आप ये चीज़ें बंद कर दोगे, तो आप वो भी चीज़ें बताओ, वो भी चीज़ करके ख़त्म करते हैं। क्योंकि सर जो लोग आप लोगों को देखते हैं, आप लोगों को एडमायर करते हैं, चाहे मनोज हो गया चाहे आप हो गए, तो उनके ऊपर भी ये गलत इफेक्ट जाता है। आप तो सर यही चीज़ सिखाते हो, काम करो, नाम करो, आगे बढ़ो, तो सर ये सब चीज़ गलत हो रहा है। तो प्लीज़ सर आप ये चीज़ को सर स्टॉप करिए और आपका जो भी चीज़ है वो चीज़ सुना जाएगा और इस चीज़ को ख़त्म किया जाएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। आप लोग भी जो होता है ऐसी रिक्वेस्ट करिए ताकि ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाए। थैंक यू सो मच।